वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ। उसके अंतर्गत हम यूनिट थर्ड कर रहे हैं। यूनिट थर्ड का एक चैप्टर हमने पढ़ लिया है जिसका नाम था मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस, केंद्रीय बलों के अधीन गति। आज हम यूनिट थर्ड का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। इस यूनिट के अंदर जो दो चैप्टर्स थे, एक हमने पढ़ लिया, आज हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है द्रव्यमान केंद्र तथा रैखिक एवं कोणीय संवेग का संरक्षण, सेंटर ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम। तो हम इस चैप्टर के अंदर सेंटर ऑफ मास क्या है, वो हम क्यों पढ़ते हैं, उसका हमारे को लाभ क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र वास्तव में होता क्या है? देखिए, अभी तक जो हमने न्यूटन की जो मैकेनिक्स यांत्रिकी पढ़ी थी, उसमें हम कोई भी चीज को एक यूनिट मानते थे। एक यूनिट कैसे, मतलब आपकी बहुत बड़ा पृथ्वी है, सूरज है, वो बहुत बड़ी बॉडी है, लेकिन जब हम उसकी गति की बात करते हैं या कोई भी चीज़ हम उसके अंदर अध्ययन करते हैं, तो हम वो ये मानते हुए करते हैं कि वो जो पूरा द्रव्यमान है वो एक ही जगह पर केंद्रित है। इस तरीके से जैसे आप ट्रेन की बात करो, तो ट्रेन जैसे मान लो आप ट्रेन के कह रहे कि ट्रेन इतने बजे प्लेटफॉर्म पे पहुंची, तो इतने बजे पहुंची तो पूरी ट्रेन उतने बजे नहीं पहुंचती। मान लो 7:01 पे ये ट्रेन पहुंची, तो अगर हम वास्तव में देखें तो 7:01 पे हो सकता है इंजन प्लेटफॉर्म पे पहुंचा हो, ये भी हो सकता है कि सेकंड डब्बा 7:01 पे पहुंचा हो या लास्ट डब्बा 7:01 पे पहुंचा हो, अगर हम उसको वाइडर उसमें देखें। और अगर हम उसको केवल ये कह दें कि ट्रेन हमारी, एक ट्रेन चली आ रही है और वो इतने बजे प्लेटफॉर्म पे पहुंची, जब हमने उसको ट्रेन नाम दे दिया तो हमने क्या करा, उसके इंजन डब्बे, गार्ड का डब्बा, सारों को हमने एक ही बिंदु पर शामिल कर लिया, ट्रेन के अंदर शामिल कर लिया। ठीक है, तो अभी तक की जो हमारी फिजिक्स जो हमने पढ़ी है, उसमें हमने बहुत बड़ी बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, लेकिन हमने उन सभी पार्टिकल्स को एक ही एंटिटी माना है, एक ही मानते हुए हमने उसका अध्ययन किया। लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो कोई भी बड़ी बॉडी जो है वो छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है। अगर हम वास्तव में ट्रेन की बात करें तो हमारे को 7:01 पे ये देखना पड़ेगा कि पहला डब्बा आया, लास्ट आया, इंजन आया, कौन आया, तो वो अलग अलग चीज़ हो जाती है। सारे डब्बे की अगर हम अध्ययन करेंगे तो सब अलग अलग टाइम पर आए। तो इस तरीके की अगर हम बड़ी बॉडीज की बात करें तो हमारे को क्या है, हमारे को अध्ययन करने के लिए हर एक चीज़ को अलग अलग, आपको अलग अलग हिस्सों को अलग अलग प्रकार से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो इससे तो हमारे को काफ़ी दिक्कत होने लगेगी। तो इस समस्या का समाधान हमारे पास एक है, वो है द्रव्यमान केंद्र। तो अब द्रव्यमान केंद्र हम कैसे डिफाइन करते हैं, पहले इन्होंने द्रव्यमान केंद्र की एक जनरल डेफिनेशन दी है कि मान लो n संख्या के बिंदुवत कणों से मिलकर एक कोई पिंड बना हुआ है तथा विभिन्न कणों के द्रव्यमानों का योग जो है वो पिंड के द्रव्यमान के बराबर है। मतलब आपने एक पिंड अज्यूम कर लिया और ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और इस पिंड का जो द्रव्यमान है वो सभी इन सारे पार्टिकल्स के द्रव्यमानों के योग के बराबर है। इसलिए पिंड किसी भी कण की गति संपूर्ण पिंड की गति की प्रदर्शित करता है। जब पिंड बाह्य बल के अंतर्गत कंपन या घूर्णन गति करता है तो पिंड में एक ऐसा बिंदु होता है, ये एक चीज ध्यान देने की है, पिंड में एक ऐसा बिंदु होता है जो ठीक उसी प्रकार से गति करता है जिस प्रकार एक विलगित कण उस बाह्य बल के अंतर्गत करता है। यानी पूरे पिंड के अंदर एक बिंदु ऐसा होता है जो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसा कि एक अकेला विलगित कण, आइसोलेटेड कण जो है वो इस बाह्य बल के लगने के कारण गति करता है। तो उस बिंदु को हम द्रव्यमान, उस पिंड का द्रव्यमान केंद्र
कह देते हैं। अब इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, ये हमने साधारण तौर पे उसको समझ लिया। अतः किसी पिंड या निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जहां उसकी गति की व्याख्या के लिए उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है। मतलब क्या हो गया कि एक आपके पास एक पिंड है और बाह्य बल लगने के कारण वो उसके अलग अलग कण अलग अलग गति से चलते हैं और रिजल्टेंट जो आपको गति दिखाई देती है वो आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। अगर वो जो गति है उसकी बजाय हम ये जो पूरे सारे पार्टिकल्स का जो द्रव्यमान है उसको हम एक ही बिंदु पर केंद्रित कर दें और उसकी गति ठीक उसी प्रकार दिखाई दे हमारे को जिस प्रकार से इस पूरे बिखरे हुए की दिखाई दे रही है, तो ये बिंदु पर सारा मास हमने केंद्रित कर दिया तो इसका व्यवहार या इसका व्यवहार दोनों का व्यवहार बिल्कुल एक समान हो, तो इस बिंदु को हम द्रव्यमान केंद्र कह सकते हैं। तो ये गति की व्याख्या के लिए हम संपूर्ण द्रव्यमान को एक ही बिंदु पर केंद्रित मान सकते हैं और ये बिंदु हमारा द्रव्यमान केंद्र है। यानी क्या मतलब हो गया, अगर आपका ट्रेन का अध्ययन करना है तो ऐसे तो आपको अलग अलग हिस्सों को अलग अलग अध्ययन करना पड़ेगा, लेकिन हमने अगर पूरे ट्रेन का द्रव्यमान एक ही बिंदु पर केंद्रित कर लिया और उसकी जो गति है वो उसी प्रकार से दिख रही है जिस प्रकार से रिजल्टिंग जो गति दिखाई देती है किसी ट्रेन की, तो वो बिंदु उसका द्रव्यमान केंद्र कहलाएगा। अब इस द्रव्यमान केंद्र को हम ढूंढे कैसे, उसके लिए बड़ा आसान सा एक फॉर्मूला हम निकालेंगे। मान लिया हमने कोई एक पिंड ले लिया है जो निर्देश तंत्र में स्थिर निर्देश तंत्र में बैठा है और उसका द्रव्यमान m है, ठीक है। अब ये पिंड जो है वो n कणों से मिलकर बना है, बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो माना पिंड के किसी एक कण i वे का द्रव्यमान mi और उसका स्थिति सदिश ri है। अब इसको हम एक डायग्राम से देख लेते हैं। मान लो ये एक पिंड है और इस पूरे पिंड का जो द्रव्यमान है वो कैपिटल M है और ये बहुत सारे छोटे 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 ये बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इन कणों से मिलकर बना है। अब इन कणों में से एक कण हम ले लेते हैं, उसका नाम ले लिया आयत, आयत कण है, आयवा कण हमने ले लिया, आई नंबर का, ए बी सी डी अगर हम नाम दे रहे हैं तो आई नंबर वाला जो कण है उसको हमने ले लिया। तो उस कण का जो द्रव्यमान है वो मान लिया हमने एम आई है और उसकी जो ये स्थिर निर्देश तंत्र का जो ओरिजिन है, मूल बिंदु है, उससे उसकी दूरी आर आई हमने अज्यूम कर ली, हमने मान ली, कुछ भी हो सकती है, हमने उसको आर आई मान लिया। तो ये चीजें हमने अज्यूम कर ली। अब इसके साथ साथ हमने देखो चित्र में देख रहा है एक बिंदु और हमने सपोज किया जिसका नाम दिया है हमने सी और उसका मूल बिंदु से उसकी जो स्थिति सदिश है या पोजीशन वेक्टर है वो हमारा है आर सी, ठीक है, ये अज्यूम कर लिया। और तीसरी चीज हमने ये मान ली है कि सी जो बिंदु है वो पी से कितनी दूरी पर स्थित है, आर सी आई दूरी पर स्थित है। तो हमने ये तीन चीजें मान ली हैं, एक तो पोजीशन वेक्टर आर आई, पोजीशन वेक्टर आर सी और ये सी से पी की दूरी जो है वो आर सी आई दे रखी है। अब अगर हम इसके ऊपर त्रिभुज लगाएं, ओ सी पी त्रिभुज नियम लगाएं, तो त्रिभुज नियम क्या कहता है, आर आई ये ट्राइंगल के अंदर ये एरो इधर आ रहा है, ये एरो इधर आ रहा है और ये एरो इधर जा रहा है, तो इसके हिसाब से क्या होगा, त्रिभुज नियम से आर आई बराबर आर सी प्लस आर सी आई, देखिए ये आ गया आर आई बराबर आर सी प्लस आर सी आई हो गया, ठीक है। अच्छा अब दोनों तरफ हमने क्या करा, दोनों समीकरण दोनों तरफ एम आई से गुणा कर दिया और सभी कणों का योग कर दिया। अब क्या करेंगे, पहले तो मान लो इसको एक बार भूल जाओ, एम आई आर आई, एम आई आर सी और एम आई आर सी आई ये कर दिया हमने। फिर हमने ये तो एक कण के लिए लिया है, ऐसे हमारे पास असंख्य कण है, n पार्टिकल्स हैं, तो n पार्टिकल्स का अगर हमारे को टोटल निकालना है तो हम क्या करेंगे, समीशन निकाल लेते हैं जिसमें i का मान एक से लेकर n तक बदलेगा। तो यहाँ भी समीशन कर दिया, यहाँ भी समीशन कर दिया और यहाँ भी हमने समीशन कर दिया, ठीक है। अब इस समीशन के रिजल्ट क्या निकले, अब देखो एम आई आर सी आई
का समीशन, इसका मान जीरो होगा। यदि अगर इसका मान जीरो हो जाता है तो बिंदु सी पिंड का द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। अब मुख्य चीज क्या हो गई, अगर इसका मान जीरो हो जाता है तो सी जो है वो पिंड का द्रव्यमान केंद्र कहलाता है, अर्थात किसी पिंड का वह बिंदु जिसके सापेक्ष पिंड के विभिन्न कणों के द्रव्यमान तथा उसके सदिश दूरी के गुणनफल का योग शून्य होता है, उसे पिंड का द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। तो कंडीशन क्या हो गई, MIRCI इज इक्वल्स टू जीरो, समीशन I1 to N के लिए। वो बिंदु जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, द्रव्यमान केंद्र कहलाएगा। यानी क्या हो गया, आपका ऐसा बिंदु होगा जिसके सापेक्ष सभी कणों का जो समीशन MIRCI है वो जीरो होना चाहिए, उस बिंदु को हम द्रव्यमान केंद्र कहेंगे। यहाँ पे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो सी बिंदु जो है वो द्रव्यमान केंद्र बन जाएगा। अब द्रव्यमान केंद्र की पोजीशन कहाँ होगी, ये तो हमने रैंडम पोजीशन बनाई है, अब वो एक्चुअल में कहाँ स्थित होगा उसका पता लगाते हैं। तो उसका पता लगाने के लिए सीधे हम nth पार्टिकल्स को नहीं लेते, हम उसको पहले सरलता से समझने के लिए टू पार्टिकल सिस्टम लेते हैं। टू पार्टिकल सिस्टम का मतलब द्विकर्ण निकाय। द्विकर्ण निकाय मतलब ऐसा कोई बॉडी है जिसमें दो ही पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो माना कोई निकाय दो कणों से मिलकर बना है जिसके कणों के द्रव्यमान m1 और m2 हैं, दो पार्टिकल्स हैं और दोनों के द्रव्यमान m1 और m2 हैं, और उनके जो पोजीशन वेक्टर हैं या स्थिति सदिश हैं वो r1 और r2 हैं, ठीक है। और इसके निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति को प्रदर्शित हम RCM से करेंगे। कैसे करेंगे ये एक बार डायग्राम में देख लेते हैं। देखिए ये एक टू पार्टिकल सिस्टम है जिसमें दो पार्टिकल्स हैं, एक m1 है एक m2 है, उनके पोजीशन वेक्टर r1 और r2 है, और हमने इन दोनों के बीच में कोई रैंडमली एक बिंदु मान लिया जो सेंटर ऑफ मास बनेगा, और उसकी ओरिजिन से जो दूरी है वो RCM है, यानी ये स्थिति सदिश RCM है, ठीक है। तो हमने ये चीज मान ली। तो अब समीकरण दो के हिसाब से क्या होगा, समीशन I1 to N जो है वो MIRCI शुड बी इक्वल टू जीरो, है ना। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा, समीशन MIRI बराबर समीशन MIRCM, है ना। तो RI की जगह हमने अब यहाँ पर दो पार्टिकल सिस्टम है, RCM ले लिया हमने, है ना। अब RCM जो है वो हमारा बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि वो तो एक कांस्टेंट बिंदु है, ये बदलेगा नहीं, तो RCM बाहर आ गया, तो अंदर रह गया हमारा समीशन MI1 to 2, ठीक है। अच्छा, इसको अगर आपको ऐसे कन्फ्यूजन हो तो आप इसको पहले समीशन फॉर्म में ना लिख के पहले इसको ऐसे लिख सकते हो, M1 R1 प्लस M2 R2 इज इक्वल्स टू MIRCM, ठीक है। फिर उसके बाद RCM क्योंकि कांस्टेंट है, दूरी बदलेगी नहीं सेंटर ऑफ मास की, तो RCM तो समीशन से बाहर निकल जाएगा और समीशन MI अंदर रह जाएगा। अब हम RCM का मान निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, सारी राशियों को एक तरफ ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, RCM समीशन MI बराबर समीशन MIRI, और इसको मैंने डिनोमिनेटर में ले गई, तो RCM का मान क्या आ गया, RCM का मान हो गया समीशन MIRI अपॉन समीशन MI। अब समीशन MI क्या है, दोनों द्रव्यमानों का जोड़ है, तो वो लिख दिया M1 प्लस M2, और समीशन MIRI क्या होगा, मैंने पहले ही बोला था M1 R1 प्लस M2 R2, तो RCM का मान क्या हो गया, ये RCM क्या आया, जो सेंटर ऑफ मास है उसका स्थिति सदिश आया, सेंटर ऑफ मास जहां पर स्थित है उसकी मूल बिंदु से दूरी इस प्रकार से निकाली जा सकती है द्विकर्ण निकाय के अंदर। अगर द्विकर्ण निकाय है तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज में ले सकते हैं, ठीक
ठीक है, तो इन्होंने कहा संपूर्ण द्रव्यमान अगर कैपिटल एम मान ले तो यहाँ डिनोमिनेटर में कैपिटल एम लिख सकते हैं, तो एम को इधर ले जाते हैं तो क्या आ गया, एम आर सी एम इज इक्वल्स टू एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू। ये टू पार्टिकल सिस्टम के लिए ये फॉर्मूला बन गया। अब ये ही फॉर्मूला अब हम बहुकर्ण निकाय के लिए लगा देते हैं, यानी एन पार्टिकल सिस्टम के लिए लगा देते हैं। तो एम पार्टिकल सिस्टम के लिए लगाने के लिए हमें क्या अज्यूम करना पड़ेगा, मान लो कोई कण है जो एन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और उन पार्टिकल्स का द्रव्यमान क्रमशः एम वन एम टू एम एन तक है और उनके स्थिति सदिश जो है वो आर वन आर टू आर एन है, तो क्या होगा, और उनका पोजीशन वेक्टर वही आर सी एम ही मान लिया, तो उसके आधार पर हमारा क्या हो जाएगा, समीशन एम आई आर आई बराबर समीशन एम आई आर सी एम। अगर आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि ये बार बार ये टर्म हम क्यों ले रहे हैं, तो हमारे दिमाग में ये विचार आ रहा होगा कि ये इक्वेशन हम बार बार कहाँ से लेकर आ रहे हैं, तो इस इक्वेशन को आप देखिए, ये हम कहाँ से ला रहे हैं, जो हमने पहले डेफिनेशन दिए उससे लेकर आ रहे हैं। हमने डेफिनेशन में क्या दिया था कि अगर समीशन एम आई आर आई बराबर एम आई आर सी होगा तो ये चीज़ जीरो होगी और ये चीज़ तभी जीरो होगी जब हमारा अगर ये चीज़ जीरो हो जाती है तो ये इक्वेशन केवल इतनी ही रह जाएगी, है ना, यहाँ से लेकर यहीं तक ही रह जाएगी, ये चीज़ तो जीरो हो जाएगी, है ना, ये तो जीरो बन जाएगी आपकी इक्वेशन का पार्ट। और ये जब जीरो हो जाएगी उस स्थिति में आर सी जो है वो क्या हो जाएगा, आर सी एम बन जाएगा, द्रव्यमान केंद्र की का स्थिति सदिश बन जाएगा। तो मैं ये वाली जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को मैं हर जगह काम में ले रही हूँ, तो ये देख ही लीजिए, ये यहाँ पर भी मैंने वही इक्वेशन काम में ली है, क्यों, क्योंकि मैंने इस बिंदु को सेंटर ऑफ मास माना है और इस कारण से जो एम आई ये वाला जो पार्ट है एम आई आर सी आई ये जीरो हो गया हमारा। तो ऐसे ही मैं एन कर्ण निकाय के लिए भी ले लेती हूँ, तो एन कर्ण निकाय के लिए ये समीशन साइन आ जाएगा उसके अंदर, तो द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा से ये जीरो होता ही है, तो आर सी एम का मान हमारा इस केस में क्या हो जाएगा, आर सी एम का मान हमारा इस केस में समीशन एम आई आर आई अपॉन समीशन एम आई हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे एन पार्टिकल्स के लिए तो क्या आ जाएगा, एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू प्लस एम थ्री आर थ्री प्लस एम एन आर एन अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम एन, है ना, ऐसे आर सी एम निकल जाएगा। तो ये हमारा एन पार्टिकल सिस्टम के लिए आ गया। अब एन पार्टिकल सिस्टम में टोटल मास ऑफ द बॉडी अगर कैपिटल एम है तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, कैपिटल एम बराबर समीशन एम आई, है ना, तो इसको आर सी एम में डिनोमिनेटर में एम आ जाएगा। अब इसको हम दूसरा एक और रूप में लिख सकते हैं, आप ये सोचे कि आपके पास स्थिति सदिश के रूप में दूरियां नहीं है, आपके पास एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो हम सेंटर ऑफ मास को कैसे लिखेंगे, तो सेंटर ऑफ मास को अगर आपके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं किसी बिंदु के, जैसे मान लो सेंटर ऑफ मास जो है वो आर सी एम बिंदु है और उसके निर्देशांक एक्स सी एम वाई सी एम और जेड सी एम है, तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसी स्थिति में हमें पता है पोजीशन वेक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं, आर सी एम बराबर एक्स सी एम आई प्लस वाई सी एम जे प्लस जेड सी एम के आ जाएगा। अब हम इसी प्रकार से बाकी आर वन आर टू आर थ्री जितने भी हैं उन सब को भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के, ऐसे ही आर टू के लिए लिख सकते हैं, ऐसे ही आर थ्री के लिए लिख सकते हैं। अब हम मेरे को क्या है एक्स सी एम निकालना है, तो एक्स सी एम क्या होगा, केवल एक्स बिंदुओं का समीशन होगा, कैसे होगा देख लीजिए, एक्स सी एम बराबर एम एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम 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 एन एक्स एन तक आ जाएगा, ऐसे ही एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी एक्स सी एम जो है समीशन एम आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एम के बराबर होगा। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से वाई सी एम का क्या हो जाएगा, समीशन एम आई वाई आई अपॉन एम, ऐसे ही जेड सी एम क्या हो जाएगा, एम आई जेड आई अपॉन एम के बराबर हो जाएगा। ये हम कब लेंगे,
जब हमारे पास निर्देशांक, उसके निर्देशांक दिए हुए हैं, किसी हर एक बिंदु के निर्देशांक अगर हमारे को ज्ञात हैं, स्थिति सदिश हमें नहीं दिए गए, तब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास ऐसा कोई कण है जिसके अंदर जो असंख्य कण हैं और वो सतत रूप से वितरित हैं और उनके बीच की जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा कम है, ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, समीशन को हम इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ऐसी स्थिति में आरसीएम जो है वो समीशन हटके इंटीग्रेशन आरडीएम हो जाएगा। तो एक्ससीएम क्या बन जाएगा, एक्ससीएम बन जाएगा इंटीग्रेशन 1/m एक्सडीएम, YCM बन जाएगा 1/m इंटीग्रेशन YDM, और ZCM बन जाएगा 1/m इंटीग्रेशन ZDM। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आपको मास भी नहीं दिया हुआ, घनत्व दिया हुआ है, तो घनत्व आपके पास रो है, निकाय का घनत्व रो है, तो हम DM निकाल सकते हैं। DM क्या होगा, DM रो DV होगा, जहाँ DV एक छोटे से निकाय का, छोटे से अल्पांश का आयतन है ना। तो डीएम की जगह हमने रो डी भी लिख दिया, तो ऊपर वाली समीकरणें अब नई सिरे से लिखी जा सकती हैं। आरसीएम बराबर 1/m रो आर डी वी, ऐसे ही एक्ससीएम को लिखेंगे 1/m इंटीग्रेशन ऑफ रो एक्स डी वी एंड सो ऑन, वाई और जेड के लिए भी लिख सकते हैं। तो नियमित ज्यामितीय आकार की वस्तुओं का द्रव्यमान केंद्र यह बिंदु होता है जिसके चारों ओर वस्तु सिमेट्रिकल होती है। जैसे गोला, चकती इत्यादि का द्रव्यमान केंद्र की स्थिति उपरोक्त समीकरणों की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। अब यह है कि सेंटर ऑफ मास तो हमने ज्ञात कर लिया। अब अगर मान लो कोई बॉडी गति करती है, तो गति करती है तो उसका द्रव्यमान केंद्र किस वेलोसिटी से गति करेगा, उसमें कितना त्वरण उत्पन्न होगा, हम उसका अध्ययन अगले नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।